दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास दो एरे दिया है, एक एक्स एरे एक वाई एरे, जिसका साइज एम और एन है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट एक्स टू द पावर वाई ग्रेटर देन वाई टू द पावर एक्स, वेयर एक्स इज एन एलिमेंट फ्रॉम एक्स एरे एंड वाई इज एन एलिमेंट फ्रॉम वाई एरे। तो बेसिकली हमारे पास दो एरे दिया है, एक एक्स एरे एक वाई एरे। हमें बताना है कि कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनका वैल्यू एक्स टू द पावर वाई ग्रेटर देन है वाई टू द पावर एक्स के। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले बहुत बेहतर तरीका समझाता हूँ और फिर हम लोग जानेंगे क्या करना है और कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन समझना काफी जरूरी है। जैसे देखो, हमारे पास दिया है एक्स इज इक्वल टू 216 और वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 15। तो हमें बताना है एक्स टू द पावर वाई, मतलब कोई भी वैल्यू एक्स का लो उस पर पावर वाई का करो, ग्रेटर देन होना चाहिए वाई टू द पावर एक्स का। तो इसमें इतना मतलब इसमें कितना पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं टू टू द पावर वन करूँ, मतलब टू एक्स का एलिमेंट है और वाई जो है वाई का एलिमेंट वन है, क्या एक ग्रेटर है वन टू द पावर टू के? दो ग्रेटर देन वन, हाँ तो एक बन गया। ठीक है, वैसे ही मैं दो पर पाँच करूंगा, टू टू पावर फाइव ग्रेटर देन फाइव टू पावर टू, हाँ ग्रेटर है दो। अब मैं क्या करूंगा, इसका होगा 20 पर जाऊंगा, वन टू पावर वन क्या ग्रेटर देन है फाइव टू पावर वन? नहीं जी ग्रेटर नहीं है। वन वन टू पावर जो फाइव है ग्रेटर देन है फाइव टू पावर वन? एक नहीं, ये तो मैंने कर ही लिया है। क्या वन टू पावर वन टू पावर वन टू पावर फाइव क्या ग्रेटर देन है फाइव टू पावर वन? नहीं जी नहीं है। अब चेक करो इससे, क्या सिक्स टू द पावर वन ग्रेटर देन है वन टू द पावर सिक्स? हाँ ग्रेटर देन है। क्या सिक्स टू द पावर फाइव ग्रेटर देन है फाइव टू पावर सिक्स के? नहीं है। मतलब तीन पेयर ऐसे हैं, तीन पेयर ऐसे हैं जो हमारे क्या है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो आंसर क्या होगा, थ्री। कौन कौन? टू वन टू फाइव, टू वन टू फाइव और सिक्स वन सिक्स वन। ये तीनों ऐसे पेयर हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो कैसे बनेगा सर? देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए पहले टू टू द पावर वन निकालो, टू टू द पावर वन, इसको चेक करो क्या वन टू द पावर टू से ग्रेटर है, टू को वन से चेक करो, फिर टू को फाइव से चेक करो। ठीक है, फिर वन को पकड़ो, वन को वन से चेक करो और वन को फाइव से चेक करो। ठीक है, फिर सिक्स को पकड़ो, सिक्स को वन से चेक करो और सिक्स को फाइव से चेक करो। तो इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा एक्स का साइज अगर तुम्हारा एम है और वाई एरे का साइज अगर तुम्हारा एन है, तो इस सारा का सारा प्रक्रिया करने में तुम्हें वो ऑफ एम इंटू एन टाइम लग जाएगा। तुम्हें जितना भी पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, जितना भी पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक पेयर को तुम्हें चेक करना है और फिर देखना है कि क्या जो एक क्राइटेरिया है एक्स टू द पावर वाई ग्रेटर देन वाई टू द पावर एक्स, क्या ये फुलफिल हो रहा है? अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको एक वेरिएबल रखना है, काउंट काउंट रखना है, जिस काउंट पहले जीरो है, जो जो फुलफिल हो रहा है उसमें काउंट बढ़ाते जाना है, काउंट क्या करना है बढ़ाते जाना है और लास्ट में इसी काउंट को रिटर्न कर देना है। तो ऐसे तुम्हारा बन जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई का जितना भी वैल्यू है सबको चेक करना है, कंपेयर करना है और फिर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। अगर ये फुलफिल हो जा रहा है तो काउंट का वेरिएबल, जो काउंट वेरिएबल है उसके वैल्यू को इंक्रीज कर देना है और लास्ट में इसको रिटर्न कर देना है। तो भैया क्या ये एफिशिएंट सोल्यूशन है? नहीं यार, अगर जो m है n अगर दोनों इक्वल है तो o टू o ऑफ n स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कैसे होगा सर? तो देखो अगर मैं क्या करूं, ध्यान समझो, अगर x इज इक्वल टू हमारा दिया है 216, y इज इक्वल टू क्या दिया है 1 और 5, तो अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो कुछ काम आसान हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा, इसको 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक तरीका अपनाना है, मुझे क्या करना है एक ट्रिक अपनाना है। ट्रिक, वो ट्रिक क्या होगा, अगर वाई जो हमारा ग्रेटर देन है एक्स से, अगर वाई जो हमारा ग्रेटर देन है एक्स से, तो एक्स टू द पावर जो वाई होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा वाई टू द पावर एक्स से। जैसे वाई का वैल्यू कोई ग्रेटर है, जैसे देखो वाई क्या है हमारा फाइव है, फाइव ए ग्रेटर है किससे, इस एक्स से। वाई जो है वाई जो वाई मतलब जिसका वैल्यू फाइव है वो ग्रेटर देन है टू से,
यहाँ 5 जो है ग्रेटर देन है 2 से, मतलब क्या 2 टू द पावर जो 5 होगा हमेशा ग्रेटर होगा 5 टू द पावर 2 से, ध्यान से समझो यही ट्रिक है। अगर किसी भी पॉइंट पर वाई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्स है, किसी भी पॉइंट पर वाई का वैल्यू ग्रेटर देन एक्स है तो क्या इसका मतलब है कि हमारा इसमें काउंट इंक्रीज होगा, मतलब 2 टू द पावर जो 5 होगा इसका वैल्यू कितना होगा 32, एक ग्रेटर देन होगा 25 से, तो कंडीशन फॉलो करेगा। इसके साथ कुछ एक्सेप्शन है, क्या है कुछ एक्सेप्शन, मतलब y ग्रेटर देन x एक कंडीशन ट्रू है लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। अब एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन समझो, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, अगर ध्यान समझोगे तब, ध्यान से नहीं समझोगे तो मैं क्या कोई भी समझा नहीं पाएगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि अगर x का वैल्यू 1 है, जैसे देखो x का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू 1 है, जैसे x का वैल्यू यहाँ 1 है और इसमें कोई वैल्यू 0 है, x का वैल्यू इसमें 1 है इसमें कोई वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 1 है तब क्या होगा, अगर 1 टू द पावर में 0 करूंगा और 0 टू द पावर 1 करूंगा तो इस केस में क्या होगा, 1 टू द पावर 0 कितना होगा 1, 1 टू द पावर जो 0 होगा कितना होगा 1, मतलब 1 जो होगा ग्रेटर देन होगा 0 के। तो कुछ एक्सेप्शन क्या है कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तब क्या करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 0 जितना है उतना पेयर बनेगा, तो 0 टोटल नंबर कितना है 1, तो इसमें लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज। अगर x का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू 1 है तो उस केस में कितना पेयर बनेगा, अगर यहाँ 1 है, अगर मानो यहाँ 0 है तो जितना नंबर ऑफ 0 है उतना पेयर बनेगा। ठीक है सर समझ गए, ठीक है सर इतना तो समझ गए। दूसरा एक्सेप्शन क्या है ध्यान समझो, दूसरा एक्सेप्शन क्या है, जब x का वैल्यू हमारा रहेगा क्या, जब x का वैल्यू हमारा 2 रहेगा, अगर x का वैल्यू हमारा 2 रहेगा और y का वैल्यू हमारा अगर 3 है या फिर y का वैल्यू 4 है तो उस केस में देखो x टू द पावर y, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, या 2 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 2, हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है कि जो y है ग्रेटर रहेगा x के तो हमारा क्या रहेगा एक कंडीशन को ट्रू रहेगा, मतलब हमेशा पावर जुड़ेगा। तो लेकिन जब x इक्वल टू 2 है और y का वैल्यू 3 है और 4 है उस केस में क्या होगा, आप यहाँ देख पा रहेंगे क्या, जो 2 टू द पावर 3 है ग्रेटर देन है इसके, मतलब जो 8 है ग्रेटर देन है 9 के, नहीं एक कंडीशन फॉल्स है। या फिर जो 2 टू द पावर 4 16 है, क्या जो 16 ग्रेटर देन है 16 के, नहीं कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ, जैसे हमने क्या बताया है, हमने क्या बताया है, अगर फाइव मतलब वाई का वैल्यू ग्रेटर है एक्स से तो क्या करेगा, कंडीशन होल्ड करेगा और हमें हमारा पेयर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ भी था जो वाई, वाई का वैल्यू यहाँ भी ग्रेटर है, वाई का वैल्यू यहाँ भी ग्रेटर देन है एक्स से, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, मतलब क्या जब एक्स का वैल्यू 2 रहेगा तब कंडीशन फॉल्स रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, जब एक्स का वैल्यू हमारा 2 रहेगा तो उस केस में क्या करना है, जितने नंबर ऑफ 3 हैं वाई में, जितने नंबर ऑफ 3 हैं और 4 है उनके सम को सबट्रैक्ट कर देना है। जैसे मानो अगर 3 इसमें 2 बड़ा है या फिर 4 इसमें 2 बड़ा है इस वाई एरे में, तो इन दोनों को रिमूव कर देना है, सारा का सारा पेयर निकाल के 2 का इन दोनों को रिमूव कर देना है। तो जब एक्स इक्वल टू 2 है तब क्या करना है, ध्यान समझो, जब एक्स इक्वल टू 2 है और वाई इक्वल टू 3 और 4 है तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, इस केस में क्या करना है मैं बताता हूं, अभी लिखता हूं, इस केस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ 3 एंड 4 फ्रॉम क्या, वाई, वाई में कितने 3 और 4 है इसको करना है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन जब एक्स इक्वल टू 0 हो, समझ लो इसका अगर यहीं पे कोई 0 है, जब वहीं पे कोई 0 है, वहीं पे कोई 0 है तब क्या करेगा, देखो यहाँ पे 0 है जैसे यहाँ पे 1 है तो 0 टू पावर 1 जो है क्या ग्रेटर है 1 टू पावर 0 के, नहीं जी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू 0 है और कोई यहाँ वैल्यू जो एक्स है इसमें कोई वैल्यू 0 है तो काउंट में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन काउंट, नो चेंज इन काउंट। और हर एक में, हर एक पेयर में तुम्हें 0 कितना है 1 कितना है इसको ऐड करना है, कितना 0 है और कितना 1 है इसको तुम्हें ऐड करना ही करना है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे चीजें काम करेंगी, अब मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, वही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ, जैसे एग्जांपल में क्या लूंगा 21615, 21615, तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट कर लूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको कर लूंगा शॉर्ट, तो हो जाएगा क्या 126, ध्यान से समझना है तभी समझ में आएगा 126, ये हमारा हो गया। ठीक इतना समझ में आ गया, ये हमारा क्या है स्टार्टिंग और ये हमारा है एंडिंग। ठीक है।
हमने क्या पहले करना है, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना है, वन कितना है, टू कितना है, थ्री कितना है, फोर कितना है, इसको काउंट कर लेना। क्यों काउंट करना है, क्योंकि हमने बताया है कि एक्स का वैल्यू जब वन है तब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो जीरो काउंट करेंगे तभी ना चाहिए। एक्स का वैल्यू जब टू है तब थ्री और फोर चाहिए और जीरो तो यहाँ चाहिए, तो सबको हम क्या कर लेंगे, पहले काउंट कर लेंगे, सबको काउंट कर लेंगे। उससे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों एरे को शॉर्ट कर लूंगा, मैंने दोनों एरे को क्या कर लिया है, शॉर्ट कर लिया है। अगर जीरो है तो जीरो काउंट कर लो, वन है तो वन को, टू है तो टू को, थ्री है तो थ्री को, थ्री फोर है तो फोर को, मतलब इस एरे में वाई एरे में जाना है, वाई एरे में, और जितना वैल्यू है अगर जो जीरो है उसको काउंट कर लो, वन काउंट कर लो, टू काउंट कर लो, हर एक एलिमेंट को काउंट कर लो। ठीक है सर, काउंट कर लिया। अब क्या करना है, एक आंसर वैल्यू रख लो रिजल्ट नाम का। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू, एक्स ऑफ आई का वैल्यू जीरो है, हमने क्या बताया था, जब अगर जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा काउंट में, मतलब कंटिन्यू करते जाओ, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, जब एक्स का वैल्यू वन है, हमने क्या बताया, जब एक्स का वैल्यू वन है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज है उसको ऐड कर दो आंसर में, जब एक्स का वैल्यू वन है तो टोटल नंबर ऑफ जीरो को हमने कर लिया। ठीक, जब एक्स का वैल्यू टू है, अब क्या करना है सर, जब एक्स का वैल्यू टू है, जब एक्स का वैल्यू टू है तो क्या करना है, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है। जैसे एक्स का वैल्यू टू है, जैसे मैं यहाँ लिख लिया हूँ, वन टू थ्री सेवन सिक्स फाइव, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, टू का जो इंडेक्स वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, जैसे मानो हमारा अगर ए एरे है, अगर ए हमारे पास एरे है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, गेट इंडेक्स फंक्शन लिखूंगा और बाइनरी सर्च की हेल्प से फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। तो बाइनरी सर्च जैसे मैं लगाऊंगा, तो जैसे मैं लगा दूंगा 0 + 5/2, 5/2, 2, यानी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, चेक कर गया क्या ये जो थ्री है, थ्री क्या जो थ्री है यही टू है, नहीं जी टू नहीं है, तो क्या करेगा, जो एंडिंग इंडेक्स होगा उसको मिड माइनस वन, ये अगर हमारा मिड है तो यहाँ ला देगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या यही टू है, हाँ टू है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू जो वन है इसको रिटर्न कर देगा, मतलब वन इसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ आ गया वन। तो फिर चेक करेगा जो इंडेक्स वैल्यू अगर माइनस वन नहीं है तो क्या करना है, एन माइनस इंडेक्स, तो मैं देखूंगा टू से ग्रेटर कितने एलिमेंट है, क्योंकि जितने भी टू से ग्रेटर एलिमेंट है उनके लिए कंडीशन होल्ड करेगा, इसमें से चार और तीन का जो काउंट है उसको भगा देना है। तो मैं क्या करूंगा, एन एन जो टोटल नंबर है और इसका इंडेक्स माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि टू से ग्रेटर कितना इंडेक्स है, ये इसमें आ गया। और इसमें से क्या करूंगा, मैंने आपको बताया है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से जो थ्री के काउंट है और जो फोर के काउंट है उसको घटाना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो थ्री के काउंट है फोर के काउंट है उसको घटाना है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा था, ये कंडीशन होल्ड कर ही नहीं रहा था। ठीक है, और हर एक में जीरो और वन का जो काउंट है उसको तो ऐड करना है, कर दिया। ठीक है सर, जब टू है तब, जब टू नहीं है तब क्या करना है, जब टू नहीं है तब क्या करना है, जब टू नहीं है तब क्या करना है, तब सेम टू सेम वही करना है, फिर उसका इंडेक्स वैल्यू निकालना है और इसमें वन और जीरो सब में ऐड करना है, और हो सकता है इसमें भी हमारा वैल्यू थ्री आ जाए, जब थ्री आ जाए तो सिर्फ टू को हमें ऐड करना है रिजल्ट में और लास्ट में रिजल्ट को कर देना है। और ये हमारा सिंपल बाइनरी सर्च है, जो हमारे टू के इंडेक्स को, जो सबसे पहले टू आया है या फिर टू से कोई ग्रेटर एलिमेंट सबसे पहले, उसका इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर इसकी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कीजिएगा तो ओ ऑफ लॉग एन लग जा रहा है बाइनरी सर्च के लिए, ओ ऑफ एन लग जा रहा है सॉर्टिंग के लिए, और साथ ही साथ एक फोर एम तक चल रहा है तो ओ ऑफ एम, तो इसमें जो सबसे बड़ा टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन लॉग एन, तो यही हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई हमने स्पेस यूज किया है क्या, आई थिंक हमने स्पेस को यूज नहीं किया तो ओ ऑफ वन हो जाएगा। अगर हम कोई स्पेस यूज करेंगे जैसे एम साइज का या एन साइज का तो वहाँ उतना हो जाएगा। और ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है और ये हमारा जावा का कोड है, सेम टू सेम यही कोड है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, आप देख पा रहे होंगे हर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, दोनों को सॉर्ट किया है, सबके काउंट को काउंट किया है, फिर वही चीज किया है, टू का इंडेक्स निकाला है, फिर थ्री का, और यहाँ बाइनरी सर्च, तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन देखने को मिलेगा। आप ड्राई रन करो, जैसे मैंने ड्राई रन करके दिखाया है, एक एग्जाम्पल लो और कोड को ड्राई रन करो, देखो कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो चलो मैं अभी तुम्हें क्या करूंगा, इसका कोड रन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यार अगर आप हैंड रिटन नोट्स डीएसए का चाहते हैं तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो आपके फाउंडेशन को बिल्ड कर देगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, नहीं यार मुझे तो डीएसए का वीडियो देख के ही समझ में आएगा, उसके पहले तो मुझे समझ में आएगा ही नहीं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जो जीएफजी का है, बेस्ट कोर्स है सारे डीएसए कोर्स में से, क्योंकि 9 लाखों ने, 9 लाख लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे, नहीं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है। 15% डिस्काउंट तो आपको हमेशा मिलेगा, आप तिकलो की ट्रेन लगाएंगे तो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ जाकर चेकआउट करो, पसंद आए तो आप ले सकते हो। चलिए मैं कोड रन करके दिखाता हूँ।
ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है, ये हमारा क्या है सी प्लस प्लस का कोड, आप इसको देख सकते हो। आप वीडियो पॉज करना और इसको देखना, मैं क्या करूंगा इसको रन करूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मुझे समझ में नहीं आया, तुमको कमेंट करना है और फिर बताना है कि क्या समझ में नहीं आया, और मैं तुम्हें जावा का कोड रन करके दिखाऊंगा। क्योंकि आई डोंट थिंक कि जितना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में नहीं आया, ऐसा बहुत कम बार ही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है तो वो भी कर दो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।